Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपक और आज हम लोग पेज मेकर पर सीखेंगे एलिमेंट मेनू। एलिमेंट मेनू के बारे में हम लोग सारा ऑप्शन डिटेल्स से जानेंगे कि उसमें किस फंक्शन का कैसे यूज किया जाता है, इन सब चीज़ के बारे में हम लोग आज सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग पेज मेकर। तो जैसा कि हमारा पेज मेकर ओपन हो चुका है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक बॉक्स है, मैं दिखा देता हूँ। इस पर जो भी मैं की प्रेस करूँगा ये सारा इंडिकेट करेगा, तो इस पर भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान देते रहिएगा कौन कौन सा मैं की प्रेस कर रहा हूँ, तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ पर मेरा एक पेज लिया हुआ है और सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एलिमेंट मेनू में चलता हूँ और यहाँ पर देखिए शो कर रहा है सारा फंक्शन, इन सब के बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो देखिए पहला फंक्शन है फिल। फिल में गए तो यहाँ पर देखिए बहुत सारा ऑप्शन दे रहा है, यानी ये आपको शेप के अंदर फिल करता है, यानी किसी तरह का अगर डिज़ाइन चाहिए, देखिए ये जो भी डिज़ाइन शो कर रहा है ये सारे शेप के अंदर फिल होंगे। तो कैसे फिल होगा इस चीज़ के बारे में मैं बताता हूँ। यहाँ से आप ले लीजिएगा रेटेंगल शेप, टूल्स से रेटेंगल, और यहाँ से ड्रैग कर लीजिएगा। अब अगर इस शेप में आपको कोई डिजाइनिंग चाहिए इसी तरह का, तो ऐसे तो शेप हम लोग का सिंपल इसी तरह इंसर्ट हो रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कोई डिज़ाइन के साथ हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको डिलीट कर लेते हैं पहले और रेटेंगल शेप लेते हैं। यहाँ से रेटेंगल शेप अप्लाई करने के बाद एलिमेंट फिल, और यहाँ से हम कोई भी डिज़ाइन ले लेते हैं। जैसे मैं ये डिज़ाइन ले लेता हूँ यहाँ पर और क्लिक करता हूँ, और उसके बाद अगर मैं ड्रैग करूँगा तो देखिए मेरा उस डिज़ाइन के साथ रेटेंगल शेप आ चुका है। यानी फिल का काम है कि आप कोई भी शेप लीजिएगा उसके साथ वो अंदर फिल हो जाएगा इस तरह का कोई भी डिज़ाइन। अब जैसे फिर से कोई मैं डिज़ाइन लेता हूँ, जैसे यहाँ पर ले लेता हूँ ये चीज़, और फिर ड्रैग करता हूँ, देखिए ये इस तरह बन गया और ये पहले वाला मेरा चेंज हो गया। पहले वाला इसलिए चेंज हुआ क्योंकि ये सेलेक्ट था, अगर सेलेक्ट नहीं रहता तो चेंज नहीं होता। देखिए जैसे अब ये सेलेक्ट नहीं है, और मैं फिर से अगर कोई चेंजिंग करता हूँ फिल में जाकर, तो देखिए ये मेरा चेंज नहीं हुआ और मेरा ये जो इंसर्ट हुआ इस टाइप का इंसर्ट हुआ। यानी अगर सेलेक्ट रहेगा तो सेलेक्ट करके आप चेंजिंग भी कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं पॉइंटर ले लेता हूँ और इस शेप को हमको चेंज करना है, तो उसके लिए चलेंगे एलिमेंट फिल और यहाँ से मैं कोई ले लूँगा, तो देखिए ये चेंज हो गया, तो ये चेंज भी कर सकते हैं। और इसके साथ अगर आप कलर करना चाहते हैं तो ये सब भी कर सकते हैं। देखिए कलर में यहाँ पर लाइन कलर है और ऑल कलर है, तो लाइन कलर पे अगर मैं लूँ तो सिर्फ देखिए लाइन भी कलर हो रहा है, और अगर ऑल कलर लेता हूँ तो देखिए पूरे शेप पे फिल हो रहा है पूरे लाइन पर। इस तरीके से मैं इस पर भी अप्लाई कर सकता हूँ, इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं हम लोग कोई भी कलर। तो फिल का काम है इस तरीके से कोई भी शेप लेकर फिल करने के लिए। अगर आप पूर्ण रूप से इसमें फिल करना चाहते हैं तो आप इसको चले जाइए एलिमेंट फिल और सॉलिड, देखिए इस तरीके से आपका पूरा शेप फिल हो जाएगा। यानी शेप टूल से लेने के बाद एलिमेंट और फिल में जाकर आपको सॉलिड अप्लाई कर लेना है, उसके बाद आपका सिंपल शेप आएगा। आप कलर इसमें भर सकते हैं, या इसको ब्लैंक करना है तो आप ब्लैंक भी कर सकते हैं। लाइनिंग कलर सिर्फ ब्लैक रखिए, ये सब चीज़ हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मेरा फिल था, चलिए मैं इसको हटा लेता हूँ, कंट्रोल ए से सिलेक्ट, उसके बाद डिलीट, ये हो गया। उसके बाद चलते हैं स्ट्रोक। स्ट्रोक का काम है देखिए लाइन को मोटा करना या कोई किसी तरह का बॉर्डर बनाना होगा उसके लिए। तो देखिए अगर मैं रेक्टेंगल लेता हूँ और ये मेरा मैंने खींच दिया, और इसका लाइनिंग कलर मैं सिर्फ ब्लैक रखता हूँ, बीच वाला कलर हटा देता हूँ, यहाँ से नन कर देता हूँ बीच वाला कलर, ये वाला बीच लेकर कलर हटा दिया और लाइनिंग कलर मेरा सिर्फ है। अब लाइनिंग कलर को हमको मोटा करना होगा, यानी स्ट्रोक अप्लाई करना है, या कोई भी सिंपल लाइनिंग लिए अब इसको हमको मोटा करना है, तो लाइनिंग हमारा सिलेक्ट रहना चाहिए, पॉइंटर टूल्स ले लीजिए और लाइनिंग क्लिक कर लीजिएगा, यानी ये पाथ आपका सिलेक्ट होना चाहिए, एलिमेंट स्ट्रोक, और यहाँ से आप जितना चाहें साइज बढ़ा सकते हैं। देखिए 12 लिया तो इतना हो गया, 8 लिए हैं तो सॉरी इतना हुआ है, 12 लेते हैं तो इतना हो गया, कम और ज़्यादा ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब अगर इन सबसे अगर ज़्यादा और कम बढ़ाना है, जैसे 12 है, ये सब तो अलग अलग डिज़ाइन में है, देखिए ये डबल लाइनिंग आ जाएगा इस तरीके से, उसके बाद स्ट्रोक, ये सब लेंगे जैसा लीजिएगा उस तरह का लाइनिंग आपके स्ट्रोक में अप्लाई हो जाएगा। ये आपका रेक्टेंगल पे भी हो सकता है, देखिए इस शेप पर भी ये ले लिए, और इस पर कोई हमको डालना है तो स्ट्रोक में चले जाएंगे, और मैं कोई डॉटेड ले लेता हूँ ये वाला, देखिए इस तरीके से अप्लाई हो गया।
इसको चाहें तो हम लोग बॉर्डर भी बना सकते हैं यहाँ पर पेज का, इस तरीके से अप्लाई कर देंगे तो बॉर्डर भी बन गया। ये सब भी हम लोग कर सकते हैं और इस तरह का डॉटेड लाइन बना सकते हैं। और अगर इन सब से ज़्यादा आपको मोटा पतला करना हो किसी भी लाइन को, मान लीजिए कोई भी आप इफेक्ट लेते हैं और उसको ज़्यादा अगर मोटा या बड़ा करना है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर कस्टम में आ जाइए। मैंने इस लाइन को सिलेक्ट कर रखा है और इस लाइन का इफेक्ट जो है मेरा यहाँ पर 12 तक है और इन सब में 4, 6, 1 यही सब दे रखा है। इन सब से ज़्यादा करना है तो यहाँ कस्टम पे आ जाइएगा और यहाँ पर आपको नंबर डाल देना है। देखिए स्ट्रोक वेट, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा है स्ट्रोक वेट, तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं नंबर। जैसे 4 लिखा है तो मैं कुछ एक्स्ट्रा डाल देता हूँ, जैसे 20 डाल देता हूँ। ओके करता हूँ तो देखिए ये 20 के बराबर हो गया। ये मेरा इस तरीके से आ चुका है। तो सिंपल ये लाइनिंग है हमारा। इस तरह से हम लोग स्ट्रोक भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर इस पर भी अप्लाई करना है तो सेम उसी प्रकार स्ट्रोक कस्टम और यहाँ पर 4 की जगह पे 25 कर दीजिए। तो देखिए बन गया इस तरीके से बॉर्डर, या इसका शेप का डिजाइनिंग चेंज हो गया। तो ये सब हम लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मैं इसको हटा लेता हूँ। कलर करना चाहें तो कलर भी सिंपल उसी तरह से होगा, कलर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए उसके बाद अगला पॉइंट चलते हैं, फिल एंड स्ट्रोक। फिल एंड स्ट्रोक का काम है, यानी ये फिल और स्ट्रोक ये अलग अलग है, ये फिल अलग है, स्ट्रोक अलग है, और इसमें होगा कि एक साथ दोनों अप्लाई होगा। तो कैसे अप्लाई होगा चलिए मैं बताता हूँ आपको। पहले सबसे पहले आपको एक कोई शेप अप्लाई कर लेना है और बाद में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए मैंने एक शेप ले लिया। अब चलते हैं यहाँ पर एलिमेंट फिल एंड स्ट्रोक। तो देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर फिल है और यहाँ पर स्ट्रोक है, यानी दोनों फंक्शन एक साथ अप्लाई होगा। तो कैसे, देखिए यहाँ पर कलर भी दिया है, यानी फिल का कलर भरने के लिए यहाँ पर डिजाइन दे देगा। उसके बाद यहाँ पर है स्ट्रोक का कलर अप्लाई करने के लिए। दोनों कैसे अप्लाई होता है चलिए देखते हैं। देखिए फिल में गए, फिल में हमको ये सब डिजाइन लेना है, जैसे चाहे हम लोग ले सकते हैं। मैं सिंपल लाइनिंग ले लेता हूँ इस तरह का, और लाइनिंग का कलर ग्रीन, और स्ट्रोक का मतलब मोटा करना, तो 1 है, मैं 6 ले ले रहा हूँ, और कलर उसका ब्लू। देखिए यहाँ पर ग्रीन है और ब्लू है। चलिए इसको अप्लाई करते हैं। तो ये लाइनिंग जो है मेरा स्ट्रोक का लाइनिंग है, यानी बाहरी लाइनिंग का, और ये जो है फिल हुआ है अंदर, अंदर का जो लाइनिंग है, अंदर का लाइनिंग मेरा ब्लैक रहे, ग्रीन रहेगा, और स्ट्रोक यानी मेरा ब्लू रहेगा, यानी जो बाहर का लाइनिंग है वो ब्लू रहेगा। चलिए ओके करके देखते हैं होता है या नहीं, और शेप लेते हैं फिर से। तो देखिए हो गया, क्योंकि मैंने इस शेप को सिलेक्ट करके नहीं किया था इसलिए इस पर नहीं आया, और दूसरा शेप मैंने लिया। देखिए बाहरी की लाइनिंग ब्लू हो गया और अंदर का लाइनिंग ग्रीन हो गया। मैं आपको एक बार फिर से चेक भी करा देता हूँ इसमें जाकर, फिल एंड स्ट्रोक। और देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ इसको, तो देखिए यहाँ पर मैंने फिल में कलर लिया था ग्रीन, यहाँ पर ग्रीन शो कर रहा है। तो देखिए अंदर जो फिल हुआ है इस पर, ये लाइनिंग पर, ये वाला जो लाइनिंग है यहाँ पर फिल हुआ है, ये सारा ग्रीन है, और स्ट्रोक यानी बाहरी लाइन, बाहर लाइन को मोटा किया है मैंने, ये जो लाइन है ब्लू कलर का ये लाइन, और यहाँ कलर भी सिलेक्ट है ब्लू, तो ये लाइनिंग मेरा ब्लू हो गया। तो इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आई होप कि ये समझ में आया होगा। यानी बस सिंपल सा बात है कि जो फिल और फिल हम लोग अलग से कर रहे हैं और स्ट्रोक अलग से कर रहे हैं, वो आप डायरेक्टली एक साथ दोनों कर सकते हैं। यही काम है फिल एंड स्ट्रोक का। उसके बाद अरेंज, अरेंज में हम लोग कैसे मैनेज करते हैं। तो देखिए मैं जैसे पहले ये शेप ले लेता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ा सा, ये अलग कलरफुल आ गया है, मैं पहले जैसा था वैसा कर लेता हूँ। चलते हैं एलिमेंट और फिल में जाकर पेपर ले लीजिएगा, और स्ट्रोक में जाकर 1 ले लीजिएगा। यानी ये डिफ़ॉल्ट अप्लाई हो गया। अब लेते हैं तो सिंपल आ रहा है। चलिए इसको कलर में थोड़ा सा चेंजिंग कर लेता हूँ, कलर भी लाइनिंग कलर ब्लैक, और मैं यहाँ पर एक शेप लेता हूँ। ठीक है, पहले मैंने ये शेप लिया और इसका कलर मैंने रेड कर दिया, पूरा कलर मैंने रेड कर दिया, ऑल कलर रेड। शेप पे ले जा रहा हूँ इमेज के ऊपर, तो ये शेप नहीं जा रहा है, ये पीछे चला जा रहा है। देखिए
ये पीछे चला गया और इमेज ऊपर हो रहा है। हम चाहते हैं कि इमेज पीछे चला जाए और शेप ऊपर आ जाए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए हम लोग चले जाएंगे एलिमेंट। देखिए मेरा शेप सेलेक्ट है, शेप सेलेक्ट करके एलिमेंट में जाइएगा और अरेंज और बिंग टू फ्रंट, यानी पीछे है उसको फ्रंट करना है। और यहाँ पर बैक भी कर सकता है, लेकिन बैक ये नहीं होगा क्योंकि ये तो ऑलरेडी बैक है। हमको क्या करना है, फ्रंट करना है। फ्रंट किए तो देखिए ये इसके ऊपर आ गया और जो फुल था मेरा पीछे चला गया। तो इस तरीके से हम लोग अरेंज करते हैं। अगर मान के चले इसको सिलेक्ट किए फुल को, तो अभी फुल मेरा पीछे है, जाकर अरेंज और बिंग टू फ्रंट, तो ये ऊपर आ गया। अगर मान लीजिए यही मेरा सिलेक्ट है और ये सिलेक्ट नहीं है और हमको पीछे करना है इसको, तो एलिमेंट अरेंज और सेंड टू बैक, ये पीछे चला गया। यानी कि यहाँ पर जो है अरेंज में फ्रंट के लिए है और बैक के लिए है, यानी पूरा बैक हो जाएगा और ये पूरा फ्रंट हो जाएगा। और ये दोनों क्या है, एक एक स्टेप फॉरवर्ड और बैक करने के लिए। तो कैसे पता चलेगा इन दोनों का, तो देखिए मैं बताता हूँ। ये शेप हो गया मेरा और एक और मैंने शेप लिया और इसका कलर मैंने कुछ अलग किया, ये हो गया ब्लू। और फिर मैंने एक शेप लिया और इसका कलर मैंने इस तरह कर दिया और फिर से एक शेप लिया मैंने, रेड कर दिया। अब देखिए कैसे पता चलेगा ये कलर का, यहाँ पर तीन कलर है। अब देखिए सबसे मेरा पीछे कौन सा है, अगर मैं आपको सही से दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको इधर कर लेता हूँ पेज पर। और यहाँ पर आप अगर देखें तो पहले मेरा ब्लैक है, फिर ब्लू है और फिर क्या कहते हैं मैजेंटा है और रेड है। अब मैं चाहता हूँ कि ब्लू आ जाए किसके ऊपर, इसके ऊपर, यानी या देखिए ब्लैक है, ब्लैक मेरा आ जाए ब्लू के बाद, यानी ब्लू मेरा पीछे चल जाए और ब्लैक थोड़ा सा ऊपर आ जाए। और सबसे ऊपर नहीं लाना है हमको ब्लैक को, यानी रेड के ऊपर नहीं लाना है, सिर्फ ब्लू के ऊपर लाना है और ब्लू को पीछे करना है। तो हमने ब्लू को ब्लैक को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर अरेंज और ब्रिंग टू फॉरवर्ड, यानी एक स्टेप आगे फॉरवर्ड करेंगे तो एक स्टेप आगे जाएगा। तो देखिए ब्लू के ये आगे हो जाएगा, सबके आगे नहीं होगा, सिर्फ ब्लू के आगे। देखिए ब्लू मेरा पीछे हो गया और ये आगे हो गया। सेम इसी प्रकार क्या किए, ब्रिंग टू फॉरवर्ड, तो अब की बार फिर एक स्टेप आगे बढ़ेगा। देखिए एक पीछे हो गया और इसके आगे रह गया, यानी इन दोनों का काम है एक एक स्टेप आगे जाना और पीछे जाना, बैक ब्रिंग टू फॉरवर्ड और सेंड टू बैकवर्ड। यानी इसका काम है एक स्टेप आगे जाना एक एक करके, मतलब एक एक स्टेप आगे जा सकते हैं और इसका काम है एक एक स्टेप पीछे जा सकते हैं। तो उसी तरह अगर मैं बैकवर्ड करता हूँ तो देखिए रेड को अगर मैं पीछे करना है, और सबसे पीछे नहीं करना है, सिर्फ ब्लैक के पीछे करना है। अगर मैं सबसे पीछे करना है तो हम सेंड टू बैक कर देंगे तो सबसे पीछे चला जाएगा, लेकिन क्या करना है हमको, सेंड टू बैकवर्ड। तो देखिए एक स्टेप पीछे आया ब्लैक वाले के पीछे, अभी इन सब के ऊपर है। फिर से हम बैकवर्ड करते हैं तो देखिए फिर इसके ऊपर आया और अभी ये ऊपर है ब्लू वाले के ऊपर। देखिए ब्लू वाला अगर देखें आप तो देख लीजिए ब्लू से ये क्या है, ब्लू से पहले है, ब्लू लास्ट में है। और अगर हमें सबसे ऊपर लाना है कि भाई डायरेक्ट अगर ब्लू वाले को, तो देखिए चार स्टेप तो है, लेकिन हम डायरेक्टली अगर सबसे ऊपर लाना हो तो हम लोग अरेंज में जाकर सेंड टू फ्रंट कर देंगे, तो ये सबसे ऊपर आ गया देखिए ब्लैक से। तो इस तरीके से हम लोग अरेंज करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को अरेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट हो, पिक्चर हो या शेप हो, कोई भी पैराग्राफ हो, इस तरह से हम लोग अरेंज कर सकते हैं, सेंड टू बैक, बैक टू फ्रंट या फॉरवर्ड या बैकवर्ड, एक एक स्टेप भी आगे पीछे कर सकते हैं। यानी जो पहले आता है वो पहले रहता है, जो सेकंड में आता है वो ऑब्जेक्ट सेकंड में ही रहता है, यानी उसके ऊपर रहता है। इसी चीज़ को अरेंज करने के लिए हम लोग अरेंज का यूज करते हैं, सेंड टू बैक और बैक टू सेंड टू फॉरवर्ड फ्रंट, इन सब चीज़ का। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आया होगा आप लोग को। चलिए उसके बाद चलते हैं, यहाँ पर देखिए अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट ऑब्जेक्ट, इसको कैसे बनाएंगे। तो पहले मैं इसको हटा लेता हूँ और इन सबको भी डिलीट कर लेता हूँ और मैं कुछ शेप बनाता हूँ। देखिए यहाँ पर कोई छोटा कोई बड़ा और सबका कलर मैं थोड़ा सा चेंजिंग कर लेता हूँ, पहचान में आए, ऐसे नहीं भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सब चीज़ हो गया, अब मुझे ये सबको बराबर में रखना है, यानी सबको ये मिलाना है यहाँ से बराबर। देखिए जाहिर सी बात है कि हम लोग अगर मिलाएंगे तो सही नहीं मिलेगा पूरी तरीके से, तो इसको मिलाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेते हैं सबको। देखिए ये ऐसे काम नहीं करेगा, एलिमेंट ऑब्जेक्ट ऐसे काम नहीं कर रहा है, सबको आपको सेलेक्ट करना है और एलिमेंट अलाइनमेंट ऑब्जेक्ट
और हमको क्या करना है, सबको बराबर करना है। तो बस यहाँ से आ जाइए, देखिए यहाँ पर सेंटर है, सेंटर पर आ देखिए यहाँ पर प्रीव्यू भी शो करता है, ये सारा प्रीव्यू शो करेगा। तो आपको क्या करना है कि सेंटर में रखना है। तो देखिए यहाँ पर सेंटर पर क्लिक किया तो ये सेंटर में हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ऊपर में मैंने क्लिक किया तो सब ऊपर में बराबर हो जाएगा और ये नीचे की तरफ बराबर हो जाएगा। तो हमको नीचे में बराबर करना है तो नीचे क्लिक किया और ओके करेंगे तो देखिए ये सारा मेरा बराबर हो गया नीचे की तरफ। अगर मुझे उसी को ऊपर की तरफ बराबर करना है तो बस डायरेक्टली चले गए एलिमेंट ऑब्जेक्ट में और ऊपर पे क्लिक किए यहाँ पर, तो देखिए ऊपर आ गया, ओके करते हैं तो देखिए ऊपर की तरफ बराबर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग बराबर कर सकते हैं इसमें भी, और साइज़ का भी हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। जैसे इन दोनों के बीच का स्पेस, मान के चलिए कि इसका इसके इस बीच का स्पेस और इस शेप के इसके बीच का स्पेस अगर कम और ज़्यादा है तो इसको भी हम लोग मिला सकते हैं। तो कैसे मिलाएंगे, सिलेक्ट कर लेते हैं अलाइनमेंट ऑब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर है उसके लिए मिलाने के लिए, यहाँ पर शो कर रहा है, या इसमें नहीं, इसमें मिलाइएगा आप लोग क्योंकि हॉरिजॉन्टल है आपका, इस तरीके से शेप है, इसमें आपको मिलाना है यहाँ पर। देखिए इसके लिए, क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्ट सेट है वो इस तरीके से इस मोड में रखा हुआ है, इसलिए आप लोग को इस तरीके से मिलाना है। ओके करेंगे और जैसे ओके करेंगे तो देखिए इसका बराबर स्पेस हो गया। साइज में नहीं शो कर रहा है लेकिन मैं इसको भी अरेंज कर दे रहा हूँ, लेकिन जो आपका स्पेस है वो आपका इन दोनों के बीच का बराबर हो गया, इसके और इसके बीच का। देखिए मैं फिर से एक बार दिखा दे रहा हूँ, मैंने एक यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख दिया, एक यहाँ है, एक यहाँ है, आप देख सकते हैं किसी का भी स्पेस मैच नहीं कर रहा है। सिलेक्ट करेंगे एलिमेंट अलाइनमेंट ऑब्जेक्ट और यहाँ से मैं ये नीचे ले लेता हूँ और यहाँ से मैं डिस्टेंस ले लेता हूँ इस तरीके का। ओके करते हैं तो देखिए ये बराबर हो गया और इसका डिस्टेंस भी सेम बराबर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को अरेंज कर सकते हैं। ये तो इस तरह के लिए हो गया, और अगर आपका ऑब्जेक्ट इस तरह हुआ, मान के चलिए इस मोड में, तो भी हम लोग अरेंज कर सकते हैं। मान के चलिए यहाँ पर है और ये मेरा बराबर तो है नहीं, कोई यहाँ है कोई यहाँ है, तो सबको सिलेक्ट करते हैं और एक लाइन में रखना है एलिमेंट अरेंज अलाइनमेंट ऑब्जेक्ट, और इसके लिए हम लोग यहाँ से लेंगे इसमें से। तो देखिए इधर से इस साइड आ गया बराबर और ये सेंटर में हो गया, तो सेंटर में और यहाँ चले आएंगे इसमें, सॉरी इसमें आ जाएंगे, देखिए यहाँ पर दे रखा है, यानी इस तरीके से बराबर दिखा रहा है और यहाँ भी ऊपर की तरफ बराबर दिखा रहा है और ये सेंटर में बराबर दिखा रहा है, ये सेंटर है और ये डाउन है और ये अप है। ये लेकर और जैसे ही ओके करेंगे देखिए ये आपका बराबर में आ चुका है, और स्पेस मिलाना है तो उसी तरह हम लोग सिलेक्ट करके अलाइनमेंट और ऊपर वाला स्पेस सबकी बार मिला लेंगे यहाँ से, यानी इसका डिस्टेंस, देखिए यहाँ पर लोगो दे रखा है, इसके और इसके बीच का डिस्टेंस सबको सिलेक्ट है, और जैसे ओके करते हैं तो देखिए सेपरेट मैच कर गया। तो इस तरीके से हम लोग अलाइनमेंट का ऑब्जेक्ट मिलाते हैं। तो आई होप कि ये सब चीज़ आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए उसके बाद इसके आगे जो भी है मैं अगले वीडियो में इसको बनाऊंगा, अभी मैं नहीं बनाता हूं क्योंकि ये वीडियो लंबा चला गया है, तो इसलिए मैं इतना ही छोड़ देता हूं और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे का मिलेगा। तो आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा, और कहीं प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।